बारे में हम लोग तीन हार्मोन्स के बारे में आज की क्लास में कवर करेंगे, है ना। तो पहला हार्मोन्स क्या है, मैं पहला हार्मोन जिबरेलिन है, और मैंने हार्मोन्स के बारे में और ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में इससे पहले ही क्लास में बता दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। चलिए, तो पहला क्लास आपको क्या है, जिबरेलिन, है ना। जिबरेलिन में आपको क्या क्या जानना है, मैं देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हार्मोन्स होते हैं उससे जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके फंक्शन से पूछे जाते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है मैम हार्मोन्स के फंक्शन, कौन सा हार्मोन्स का क्या कार्य होता है, वो हमारे बॉडी में प्लांट्स में क्या कार्य करते हैं, हाँ। तो इस तरह से हमारे फंक्शंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमें फंक्शंस को ज्यादातर कवर करना है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं किसके, जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन के बारे में अगर हम बात करें तो जिब्रेलिन की कोर विशेषता की कुरुसोवा नामक एक वैज्ञानिक है, ठीक है। कुरुसोवा या कुरुसोवा, कहीं कहीं पे बेटा कुरुसोवा लिखा होता है, कहीं पे कुरुसोवा लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसे नाम कहीं भी मिलते हैं कुरुसोवा या कुरुसोवा तो ये दोनों वही है, ठीक है। बस क्या है कि किसी बुक में ऐसे मेंशन दिया है और किस बुक में ये लिखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको दोनों नाम बता दिया है। उसके बाद कब की थी, 1926 में, मतलब मैम जिब्रेलिन हार्मोन्स की खोज कुरुसोवा नामक वैज्ञानिक ने की थी, और मैम ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज जिसने पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज डार्विन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और जिब्रेलिन हार्मोन्स की खोज कुरुसोवा नामक वैज्ञानिक ने की थी। मैम हमने बात किया कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि जो फंक्शन, ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, मैम इसके फंक्शन से पूछे जाते हैं। तो फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो मैम जो जिब्रेलिन होता है उसका काम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में बताया कि ऑक्सिन का कार्य क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं उनका मेन काम होता है ग्रोथ करना। ग्रोथ करना मतलब क्या कि पादप में वृद्धि करना, है ना। और मैम हमने बहुत सारे पॉइंट्स बताया था, जैसे मैंने बोला था आपको कि जो हमारे ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं वो पत्ती को झड़ने और फलों को नियंत्रित करने का भी काम करते हैं, हाँ। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऑक्सिन हार्मोन्स के बताए थे। उसी तरीके से जिब्रेलिन के बारे में हमारे में डिस्कशन करें तो जिब्रेलिन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इट इज इंक्रीज हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। हाइट ऑफ प्लांट का मतलब क्या, मतलब बेटा ये कि जो हमारे प्लांट्स में हाइट ऑफ प्लांट बोले तो मैम ये क्या करते हैं, मैम इंक्रीज करते हैं हाइट ऑफ प्लांट की, ठीक है, मतलब कि इनकी हाइट को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, जिब्रेलिन नामक हार्मोन्स करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब आप कहोगे कि मैम कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, मतलब कि जो हमारा जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है, जो जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, कनेक्टिव हार्मोन्स में, कनेक्टिव टिश्यू में डेवलपमेंट करने का काम करता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में हेल्प करने का काम करता है। कहने का मतलब ये बेटा कि जिब्रेलिन हार्मोन्स में दो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कितने कनेक्टिव टिश्यू, दो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो क्या करते हैं मैम, जो हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, मतलब ये कि इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, हमारे प्लांट्स में हेल्प करते हैं इसके लिए कनेक्टिव टिश्यू को डेवलप करने में। और मैम जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अगर आपसे पूछा जाए कि कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो कि कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। आप सभी लोगों ने प्लांट से बहुत बार पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में, तो जाइलम और फ्लोएम को हम बोलते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। मैम जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, तो जाइलम का काम होता है, देखिए जाइलम का काम क्या होता है, ये रूट से, ठीक है, ये रूट से अन्य पार्ट तक वाटर को ले जाता है। जैसे कि जैसे मैम हमारा ये पेड़ है और मैम ये रूट है, तो रूट से पूरे भाग में कहाँ कहाँ मैम पत्ती तने, है ना, मैम जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट्स के, तो मैम रूट से वाटर को लेकर सभी भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। वहीं पे अगर फ्लोएम की बात करें तो मैम फ्लोएम क्या करता है, वो लीफ से फ्रूट को लेता है, मतलब फूड को लेता है, लीफ से खाना को लेता है, और मैम रूट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, मैम फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम फूड को पहुंचाता है और मैम जाइलम वाटर को पहुंचाता है। बस मैम क्या होता है, जाइलम रूट से रूट से पूरे अन्य भाग तक पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम लीफ से रूट तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये दोनों आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलम का क्या फंक्शन होता है, तो आप बता सकते हो कि रूट से अन्य पार्ट तक वाटर को पहुंचाना जाइलम का काम होता है, फ्लोएम का काम होता है कि लीफ से फूड तक भोजन पहुंचाना, ये फ्लोएम का काम होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, नाम कनेक्टिव टिश्यू दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये तने
जरूरत ना हो, ठीक है, किसी से नोट्स मांगने की बिल्कुल जरूरत
मैं भी इस क्लास पे इस चैनल पे ठीक है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो क्लासेस ले रही हूँ मैं इसे सब स्लो पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए ठीक है। उसके बाद बेटा ये आपका हो गया क्या नाम हो गया हमारा साइटोकाइनी और लियोपेजिब्रेट ठीक है। इसके मेन फंक्शंस होते हैं और आप फंक्शन के हमारे क्वेश्चन बनते हैं ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे आप बनाने की कोशिश करिएगा। उसके अलावा हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे जब आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे साथ ही साथ हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे ठीक है। आप जल्दी से हमारे निशान अकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए अब हम लोग बात करते हैं मैम एथिलीन की। दो बार उन्होंने कवर कर लिया मैम। अब बात करते हैं एथिलीन की। सबसे पहले एथिलीन की खोज किसने की थी तो एथिलीन की खोज बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी ठीक है। बर्ग नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एथिलीन की खोज की थी। और सभी बच्चों को पता है कि एथिलीन जो होता है वो एक गैसी एसिड होता है मतलब गैसी होता है गैसी हार्मोन्स होता है हाँ तो एथिलीन गैसी हार्मोन्स क्या रहता है क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे हार्मोन्स का नाम बताइए जो गैसी फॉर्म में होता है तो आपको बताना है क्या है मैम एथिलीन। और ये भी आपको पता है कि एथिलीन जो होता है वो फ्रूट रिपिंग का काम करता है मीन्स क्या मीन्स फलों को पकाने में काम करता है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है फलों को पकाने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है तो एथिलीन आप बता दोगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अगर फल को हम तोड़ लें तोड़ने के बाद उसको पकाना हो कच्चे आम को तोड़ लें उसके बाद पकाम बनाना हो तब हम लोग किसका यूज करते हैं तब हम लोग बेटा एथिलीन का यूज नहीं करते हैं तब एसिटिलीन का यूज करते हैं और ना कॉर्बेट का यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा या गैसी हार्मोन्स होता है और ये फ्रूट रिपिंग मतलब फलों को पकाने में काम आता है ठीक है। मैम ये श्वसन की क्रिया में भी सहायक होता है मतलब ऐसे हार्मोन्स का नाम बताइए जो श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं एथिलीन। मैम इस हार्मोन्स को हम रेस्पिरेटरी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे हार्मोन्स का नाम बताइए जो रेस्पिरेटरी हार्मोन्स कहलाता है तो आपको बताना है कि मैम एथिलीन। ऐसे हार्मोन्स का नाम बताइए जो मैम ग्रोथ हार्मोन्स कहलाता है तो आपको बताना है ऑक्सिन ठीक है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ठीक है। इसे रेस्पिरेटरी हार्मोन्स भी कहते हैं। जब पौधों की पत्तियों और फलों के झरने की क्रिया को क्या करता है नियंत्रित करने का काम करता है मतलब कि फलों को मैम पौधों की पत्ती को और फलों को झरने के लिए झरने की क्रिया को जो झरने की क्रिया होती है कभी कभी देखो फल अपने आप झरने लगते हैं तो उनकी क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। एथिलीन द्वारा फलों की चौड़ाई के लिए फलों की जो चौड़ाई होती है उसमें भी क्या करते हैं ये सहायक होते हैं। कौन सा नाम ये हमारा एथिलीन ठीक है। उसके अलावा बेटा मैंने आपको भी पॉइंट बताया कि जो फ्रूट रिपिंग का काम तो मैम कौन करता है मैम एथिलीन करता है। कब जब मैम पेड़ पर हमारे फ्रूट होते हैं तो हम लोग एथिलीन का यूज करते हैं एथिलीन हार्मोन्स का यूज करते हैं। लेकिन जब मैम हम लोग फूल को तोड़ लेते हैं फल को तोड़ लेते हैं उसके बाद से मैम पकाना पड़ता है तो कॉर्बेट का यूज करते हैं या मैम एसिटिलीन या फिर मैम हम लोग एसिटिलीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं आपको क्या बताना है मैम हम लोगों को बताना है कि एसिटिलीन का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ठीक है। और साथ ही साथ हमारे निशान अकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए ताकि हम आपके
आपके साथ ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन कर सके। ओके, थैंक यू।